क्या क्या कर रही है यार? ओके, चैप्टर इज कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वाओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेडिंग दीजिए. ऑनलाइन है क्या कोई? कोई नहीं है. ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है? अ फंड, अ कंपनी, अ कंपनी, ठीक है, उसको क्या करना है? मार्केट से पैसा उठाना है. उसको क्या करना है? मार्केट से पैसा उठाना है, फंड, ठीक है, और डिप्लॉय करना है कहाँ? प्रोजेक्ट्स में. डिप्लॉय करना है कहाँ? प्रोजेक्ट्स में. मार्केट में पैसा उठाएगा, उसका एक कॉस्ट होगा, इसको क्या बोलते हैं? केसी. केसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल. केसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और यहाँ पे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा विथ हायर IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. पूरा कॉमन सेंस का बात है, कोई लॉजिक मतलब कि पढ़ने का नहीं है. यू प्लीज़ ट्रीट योर सेल्फ एज अ CFO ऑफ अ कंपनी. कंपनी का CFO ऐसा फील कीजिए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये सीखना होगा कि हम CFO है, हम कंपनी है, ठीक है, मेरे पास पैसा है. ठीक है, आपके पास पैसा आपने कहाँ से उठाया? घर से तो नहीं लेके आया, मार्केट से उठाया. ठीक है, मार्केट से उठाया और कहाँ लगाएंगे? जिस पे प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा है, रिटर्न ज़्यादा है. ठीक है, मार्केट से उठाया तो उसका दो हो सकता है, या फिर इक्विटी हो सकता है, या फिर डिबेंचर हो सकता है. हो सकता है ना, इक्विटी हो सकता है या फिर डिबेंचर हो रहा है. ठीक है, तो इसका भी एक कॉस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? KE. ठीक है, इसका कॉस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? KD. ठीक है, और पैसा कहाँ से उठा सकता है? बैंक लोन. इसको क्या बोलते हैं? KT. KD, KE, KT. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ते पढ़ते आप लिखना स्टार्ट कर देंगे. KT. इम्पॉर्टेंट है कि आप साइकोलॉजी समझें. मार्केट से पैसा उठाना है, मार्केट से पैसा उठाना है तो मार्केट कहाँ से हो सकता है? इक्विटी से पैसा उठा सकते हैं, डिबेंचर से पैसा उठा सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, और कहाँ लगाना है? प्रोजेक्ट्स में. आप कंपनी के CFO हैं, क्या सोचेंगे? कॉस्ट ज़्यादा हो या कॉस्ट हाई हो या कॉस्ट कम हो? कम हो, ठीक है, कुछ अलग से पढ़ाने का नहीं है इसमें. चाहेंगे क्या? कॉस्ट कम से कम हो. और यहाँ इस साइड में क्या हो? रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो कि कम हो? ज़्यादा से ज़्यादा, इसी का तो डिफरेंस हमारा कमाई है. इसी का तो डिफरेंस हमारा कमाई है. केसी शुड बी लेस देन IRR. प्लीज कुछ बात नहीं हो रहा पढ़ाने का, हम पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ फील नहीं है भाई. ये तो नॉर्मल से अगर मतलब कि जनरल लेमैन को भी पूछोगे ना तो यही बताएगा, मार्केट से कहाँ से उठाना है पैसा, कहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न हो जाए. ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी का कॉस्ट निकालते हैं, इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सब्जेक्ट क्या बोलता है पता समझ में आ रहा है ना? चैप्टर क्या बोलता है? इसका कॉस्ट निकालना है. तो आपको क्या फील आ रहा है? कॉस्ट निकालना होगा तो कॉस्ट कहाँ से बनेगा? यही तीनों से, यही से मिलेगा ना.
इसका अगर कुछ कॉस्ट रहेगा, इसका कुछ कॉस्ट रहेगा, इसका इसका प्लस माइनस करके ही तो ये कॉस्ट आएगा। आ रहा है ना समझ में? इसका प्लस माइनस करके ही तो कॉस्ट आएगा। तो हम लोग को स्टडी करना है क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उससे पहले स्टडी करना है क्या है, ईच कॉम्पोनेंट का कॉस्ट। ठीक है, लिखते हैं। कंसीडर अ कंपनी रिक्वायर फंड, कंसीडर अ कंपनी रिक्वायर फंड फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, नंबर वन था ये। नंबर टू, द फंड मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। द फंड मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। नंबर टू में फर्स्ट बुलेट इक्विटी डैश कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ब्रैकेट में के ई। अब हम कॉस्ट इक्विटी नहीं बोलेंगे, के ई बोलेंगे। ठीक है, सेकंड बुलेट क्या बोलूं, डिबेंचर डैश कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज ब्रैकेट में के डी। नंबर टू, सॉरी सी, बैंक लोन ब्रैकेट में टर्म लोन, बैंक लोन को टर्म लोन भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इज के टी, नंबर डी। अच्छा नहीं, नंबर थ्री, डी नहीं, नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, नंबर वन फर्स्ट बुलेट, नंबर वन या फर्स्ट बुलेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैप, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, नंबर बी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं क्या, के पी इंटरनल फंड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बोलते। ओके, द फंड नेक्स्ट क्या है, कितना नंबर पॉइंट, फोर। द फंड टेकन फ्रॉम मार्केट्स, द फंड टेकन फ्रॉम मार्केट नीड टू बी इन्वेस्टेड, द फंड टेकन फ्रॉम मार्केट नीड टू बी इन्वेस्टेड in the project having higher IRR bracket mein internal rate of return niche, obviously KC bracket mein cost of capital should be higher than, sorry, KC should be lower than IRR to earn profit. मैंने अभी जितना डिस्कस किया लिखवा दिया सारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन क्या पॉइंट नंबर,
पॉइंट नंबर फाइव, इन दिस चैप्टर वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एट विच द कंपनी बोरो द फंड फ्रॉम द मार्केट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC ब्रैकेट में. अंडरस्टूड? कैपिटल को क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन, इट इज जनरलाइज्ड एज देखेंगे. WACC वेटेड एवरेज मतलब हर कंपोनेंट समझ में आ रहा है ना, इक्विटी डिबेंचर सब कंपोनेंट, सबको वेट ला डालना होगा सबका. तो क्या कहेंगे, WEKE प्लस WDKD प्लस WPKP प्लस WTKT. कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, आपको दिख रहा होगा. जितना भी KE है, KT है, KP है, सबका वेट डाल दिए, इनटू कर दिए. WT इनटू KT, ये भी इनटू ही है ना. ठीक है, नीचे It is also called weight into cost of each component. ठीक है, example. A company has 40% debt and 40% debt and 60% equity with cost of % and 12% respectively. Find the weighted average cost of capital. Of the company. Full stop. Ignore taxation. ठीक है, सॉल्यूशन. टेबल शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ WACC. ठीक है, लिखेंगे नहीं देखेंगे अब. Component
वेट कॉस्ट डब्ल्यू इंटू कॉम्पोनेंट क्या है इक्विटी डिबेंचर वेट क्या है इक्विटी कितना है कॉस्ट क्या है इसका 12% इसका क्या हो रहा है ये दिख रहा है आपको कोई प्रॉब्लम है समझ में आ रहा है सर आपका इक्विटी का डेप्ट इक्विटी का कॉस्ट कितना है 12% ठीक है डिबेंचर का कॉस्ट कितना है 8% तो मेरा कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉस्ट तो 12 और 8 के बीच में ही आने वाला है इट टोटली डिपेंड ऑन वेट मेरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका ज़्यादा वेट अगर इक्विटी के साइड में है तो मेरा इक्विटी के साथ 12% के हिसाब के तरफ ज़्यादा रहेगा 12 और 8 का डिफरेंस एवरेज क्या है 10 अगर 50% लिख दिया होता तो क्या आता वेट WACC आप सोचो मैं अगर 50% लिख देता तो कॉस्ट क्या आता आंसर इज़ 10 आ रहा समझ में आंसर इज़ 10 मैं 60% इसको दे रहा हूँ 60% वेट इसको दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है मेरा 10 से ऊपर आने वाला है ना क्योंकि मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 40% और 60% तो क्या आता 10 से ज़्यादा या 10 से कम कम आता कॉमन सेंस है पूरा ठीक है इट टोटली डिपेंड ऑन वेट ठीक है इसको लिखेंगे ये वाला कैसे आ रहा समझ में आ रहा है ना आपको ठीक है नीचे बोलो कंटिन्यूइंग द अबव सम what would be the WACC if the tax rate is 30%. ऊपर में इग्नोर टैक्सेशन करवाया था याद है ठीक है इग्नोर टैक्सेशन नीचे सॉल्यूशन सेल्फ नोट It is to be noted that debenture interest is tax deductible expenses. Hence, we get tax shield
ऑन सच एक्सपेंसेस. सो नेट कॉस्ट ऑफ डेट इज, सो नेट कॉस्ट ऑफ डेट इज, नेट कॉस्ट ऑफ डेट इज केडी इंटू वन माइनस टी. केडी इज इंटू वन माइनस टी. केडी कितना था मेरा? फोर्टी परसेंट इंटू, मैं वेट को हमेशा डेसिमल में लेता हूँ, वेट को डेसिमल में लेता हूँ, और आपका रेट को मतलब कि परसेंट, वो परसेंट में लेता हूँ. ठीक है, ठीक है. वन माइनस टी क्या है मेरा? नहीं 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 नहीं, टैक्स रेट. ठीक है, इज इक्वल्स टू 40 इंटू 0.7 इज इक्वल्स टू 28%. ठीक है, लिखिए, दैट इज पोस्ट टैक्स केडी, दैट इज पोस्ट टैक्स केडी. इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट टैक्स केडी. ठीक है, नीचे स्टेटमेंट शोइंग, अगेन उसी को बनाइए फिर से, डब्ल्यू एस सी लगाइए कितना हो रहा है, और उसमें आपका केडी कितना आना चाहिए. केडी कितना है अभी? केडी 40% था ना? केडी 40% थोड़ी ना था. केडी कितना लिखवाए थे? 8%. केडी कितना लिखवाए थे? तो आप लोग, ओहो, केडी डब्ल्यूडी नहीं बोला है मैंने, केडी बोला है. कितना? 8%. तो ये 8 × 0.70 कितना हो रहा है? 5.6%. ठीक है, लगाइए. नीचे करेंगे स्टेटमेंट शोइंग, वही तीन को चार कॉलम बनेगा. नहीं आ रहा क्या? हाँ, नहीं नहीं पहले ये वाला कट के क्या हो जाएगा? पोस्ट टैक्स केडी, सॉरी सॉरी, ये कट के क्या हो जाएगा? 5.6%. ये कितना हो जाएगा? 2.24. ये कितना आ जाएगा?
ठीक है, नीचे क्वेश्चन, सर लिखिए। हाँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज, लिखे लोग को पढ़ने में मजा आएगा ना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एज यू मेंशन्ड अबव। एंड हाउ इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट। C, after taking tax 30%, cost of capital has been reduced to, the cost of capital has been reduced to 9.44% from 10.4%। आ रहा समझ में क्या है भाई इंटरेस्ट कॉस्ट शील्ड? नीचे आंसर रिप्लाई, या पूछ रहे हमसे, अंडरस्टूड? ऊपर में लिखाया था ना मैंने, इंटरेस्ट इट जनरेट इंटरेस्ट टैक्स शील्ड ITS, ठीक है। वो क्या है भाई, वो समझ में नहीं आ रहा है, और टैक्स डालने पे क्यों कम हो जा रहा है पैसा, कॉस्ट कम हो गया ना। देखो मार्केट से पहले उठा रहा था जब टैक्स नहीं था, कितना लग रहा था 10.4, और अब कितना लग रहा है टैक्स लगने के बाद 9.4। तो ऑब्वियसली टैक्स हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट, कैसे हो रहा है? ठीक है, नीचे लिखें ओके। टू अंडरस्टैंड द सेम कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। टू अंडरस्टैंड द सेम कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, देखेंगे लिखेंगे नहीं, पहले समझ लो। सोचिए, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर है, देखो इक्विटी, इक्विटी, ठीक है, पिछला सम्स में कितना परसेंट कैपिटल इक्विटी था और कितना परसेंट डेट था? साठ परसेंट डेप्ट था। हम मानते हैं 50 लाख का कैपिटल है, ठीक है। इक्विटी कितना हो गया, इक्विटी कितना हो गया? अरे भाई ये 60% था ना, 30 लाख, ये 20 लाख, ठीक है। इस पे रेट ऑफ, नहीं नहीं, कॉस्ट कितना था भाई? 12% और 8%, ठीक है। टैक्स रेट कितना था? 30%। यही था आपका एग्जाम क्वेश्चन था, ठीक है। सपोज Suppose suppose पहला सिचुएशन क्या था? नो टैक्स। दूसरा सिचुएशन क्या था? विथ टैक्स, ठीक है। सपोज EBIT आया है कंपनी का, से 10 लाख,
ठीक है, सपोज EBIT आया है कंपनी का 10 लाख। EBIT कंसिस्ट क्या बोलते हैं, EBIT क्या होता है फुल फॉर्म? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अभी नहीं लिखना, सिर्फ देखना है, आया है 10 लाख। तो EBIT में पहले क्या आ रहा, आई तो इंटरेस्ट लेस होगा, हमको निकालना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट लेस होगा, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, क्या गया ये डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट है ना, 2 लाख का, सॉरी 20 लाख का कितना 8%, कितना है 20 लाख का 8% कितना हो रहा है, 1,60,000, 1,60,000, ठीक है, लेस इसको, इसको क्या बोलते हैं, ये कितना आ रहा है, 8 लाख, 8,40,000 लेस हो रहा है ना भाई, ठीक है, लेस इसको क्या बोलते हैं, EBT, EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट तो लेस हो गया ना, ठीक है, आई तो चला गया, फिर टी बचा लेस, तो फिर टैक्स एट द रेट ऑफ 30% कितना है, इस पे तो नहीं होगा, इस पे 30% कितना आ रहा है इसका, 2,52,000 कितना आ रहा है ये माइनस करने पे, ठीक है, 5,88,000 इक्विटी फॉर ये। अब बताओ हमारा नेट डिबेंचर ठीक है, नेट डिबेंचर अच्छा, इस पे तो टैक्स लगेगा ना, सॉरी इस पे टैक्स लगेगा, डिबेंचर इस पे नहीं है, सॉरी नो टैक्स है क्या, अच्छा ये नो टैक्स है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, कितना 8,40,000, ठीक है, अब यहाँ पे डिबेंचर कितना है, 1,60,000, ओके क्या हो गया, हाँ यहाँ पे देखिए ये 8 लाख, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर कितना, 8,40,000 और इसमें 5,88,000, ठीक है, इस केस में क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, 8,40,000, और इस केस में क्या इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, 5,88,000। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोलते हैं कि
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फॉर द इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ होम इक्विटी शेयर होल्डर इज बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. अब डिबेंचर वाले लोग तो पैसा लेके चले गए 1,60,000, ठीक है. तो अब सोचो जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग हैं, सोचो ये 3 लाख एट द रेट ऑफ कितना है 10, तभी तो होगा 10 लाख 30 लाख. तो 3 लाख इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग कितना लेंगे इसमें? अगर डिबेंचर होल्डर रहेंगे लेस है ना, तो लेस करके कम आएगा ना, सॉरी लेस कितना हो रहा कम, वो 8,40,000 ही आ रहा था. तो अगर डिबेंचर होल्डर वाले अगर रहेंगे, ठीक है, डिबेंचर होल्डर वाले लोग अगर रहेंगे और टैक्स का बेनिफिट अगर नहीं मिला, ठीक है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना मिलेगा? 8,40,000. अगर अगर डिबेंचर होल्डर वाले लोग अगर रहेंगे और टैक्स का बेनिफिट मिला, मतलब टैक्स पेमेंट करना पड़ा, तो कितना मिलेगा? 5,80,000. अब इक्विटी शेयर होल्डर वाले की तरफ से सोचो, क्योंकि बेनिफिट किसको लेना है? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, ठीक है. तो आप किस पे जाना चाहोगे कि डिबेंचर रहे कि नहीं रहे? हाँ नहीं नहीं डिबेंचर रहे, क्योंकि आपको टैक्स देना या नहीं देना है वो उस पर डिपेंड नहीं है. आपका वेल्थ कहाँ क्रिएट हो रहा ज़्यादा, आपका वेल्थ क्रिएट कहाँ हो रहा ज़्यादा? 8,40,000 में दिख रहा है. तो आप क्या चाहोगे कि अगर टैक्स नहीं है तो डिबेंचर भी नहीं रहे, ठीक है. टैक्स अगर ज़ीरो है तो डिबेंचर भी नहीं रहे, ठीक है. अगर टैक्स रहे तो डिबेंचर भी रहे, अंडरस्टूड. टैक्स है तो डिबेंचर भी रहे, ठीक है. मतलब अगर टैक्स नहीं है तो अगर टैक्स अगर डिबेंचर होल्डर लोग नहीं रहते तो इक्विटी को कितना मिलता? पूरा का पूरा 10 लाख. इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलता? पूरा का पूरा 10 लाख. और अगर अगर डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, और टैक्स भी देना पड़ रहा है तो इसीलिए तब तो और कम है, ठीक है. तो बोलने का मतलब यह है कि अगर डिबेंचर होल्डर को रखना है, ठीक है, डिबेंचर हु इज़ द कंपनी ऑफ द हु इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, आंसर इज इक्विटी शेयर होल्डर. उसी के सिक्रेशन मतलब उसी के डिसीजन से पता होगा कि डिबेंचर को रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है. तो डिबेंचर अगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर टैक्स नहीं रहेगा ना तो डिबेंचर को रखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है. इसको एक दूसरे सम से करते हैं, रुकिए. अब देखिए, जो डिबेंचर को हम हटा देते हैं, ठीक है, तब इस पर प्रॉफिट निकालते हैं डिबेंचर को हटा के. आप सोचो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अभी आप समझ में आएगा. कैपिटल स्ट्रक्चर है, से यहाँ पे EBIT डालता हूँ, से 10 लाख और यहाँ 10 लाख, ठीक है. इसमें इक्विटी है सिर्फ, और इसमें इक्विटी प्लस डेब्ट है. इक्विटी प्लस डेब्ट है तो इसका मतलब मैं क्या बोला, अगर डेब्ट है तो टैक्स रहेगा तो डेब्ट रहेगा, अगर टैक्स नहीं है तो डेब्ट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है. हम मानते हैं टैक्स, जब हम डेब्ट बनाते हैं टैक्स रेट कितना है, से 35%, एग्जाम्पल, ठीक है. डिबेंचर इंटरेस्ट, से 9%, और इक्विटी का कॉस्ट, ठीक है, वो अभी क्या फाइनल, ठीक है, EBIT इतना है. अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका सोचो 50 लाख का कैपिटल है, ये 10 लाख ज़्यादा हो गया था, 50 लाख के मैं थोड़ा कम कर देता हूँ. सोचो 7 लाख है,
मैं इसीलिए नहीं, मैं आपको नहीं लिखवा रहा था कि हो सकता है कहीं से कुछ ये 7 लाख और 10 लाख करना पड़े, तो ठीक है, तो मैं तो मिटा के कर दूंगा, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर से 50 लाख का है, ठीक है, ये ऑप्शन टू में, इसमें तो 50 लाख का, तो सोचिए 5 लाख इंटू 10 ईच, यही होगा 50 लाख ऑप्शन वन में। इसमें सोचो 70% और 30% का है, 70% इक्विटी कितना आ रहा है, 5 7 35 लाख, ठीक है, 5 3 15 लाख, यही है 35 लाख का क्या है, 3.5 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है, इस पे डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है 9% लिख दिया मैंने, ठीक है। ईबीआईटी देखिए, ईबीआईटी में सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि डिबेंचर नहीं, इस पे इंटरेस्ट कितना है 35% नहीं, इंटरेस्ट 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 कितना है 15 लाख का कितना आ रहा है 1,35,000, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ई बी टी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये कितना आ रहा है 7 लाख, ये कितना आ रहा है 5,65,000, ठीक है, लेस टैक्स कितना आ रहा है एट द रेट ऑफ 35%, बताइए 1,95,750, इस पे नहीं, नहीं उस जगह पे मैंने नो टैक्स था, यहाँ पे देखो यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे मैंने नो टैक्स डाला था, यहाँ पे डिबेंचर था बट टैक्स नहीं था, मैं अब केस डाल रहा हूँ कि दोनों जगह टैक्स है, इस पे डिबेंचर नहीं है, इस पे डिबेंचर है, ठीक है, ये बताइए, ये ठीक है 1,95,75 किसका 197 है 1,97,750, ये बताइए 2 लाख, बताओ बताओ टैक्स चला गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यही तो बचा हुआ है ना, बताइए क्या आ रहा है 4,55,000, 67,250। अब बताओ डिबेंचर कॉस्ट कितना है, डिबेंचर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, नहीं ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, डिबेंचर का खर्चा कितना है, आप सोचो डिबेंचर लोन, समझो लोन लिया था मैंने 15 लाख का, उस पर 9% ब्याज दे रहे हैं, आंसर इज 1,35,000, ठीक है, अगर टैक्स नहीं होता ना तो आंसर होता 1,35,000, टैक्स है इसके वजह से हम लोग का टैक्स है इसके वजह से, पहले कितना पे टैक्स लग रहा था 7 लाख पे, अब कितना पे टैक्स लग रहा है, क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट,
ठीक है, इंटरेस्ट के वजह से टैक्स सेव हुआ है, कितना हुआ है टैक्स सेव, कितना हुआ है बताओ? पहले कितना टैक्स दे रहे थे? अगर डिबेंचर नहीं होता तो कितना टैक्स देते? अगर डिबेंचर नहीं होता, देखो उस स्ट्रक्चर में डिबेंचर नहीं था, कितना टैक्स दे रहे थे? 2,45,000। और डिबेंचर रहने के बाद कितना टैक्स दे रहे हैं? तो सेव हो रहा है ना टैक्स कहीं से, कितना टैक्स सेव हो रहा है? माइनस करके बताओ, फोर्टी सेवन थाउजेंड 250 क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। और इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 1,05,000। 1,35,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके वजह से मेरा टैक्स सेव कितना हो रहा है? तो नेट इंटरेस्ट कितना जा रहा है? नेट इंटरेस्ट कितना जा रहा है भाई? नेट इंटरेस्ट कितना जा रहा है? ये तो पढ़ाने का जरूरत नहीं है ना। 87,750 और आ रहा समझ में ये वाला? हम अगर डिबेंचर नहीं लिए होते, लोन नहीं लिए होते, डिबेंचर लोन समझो, लोन ठीक है, लोन नहीं लिए होते तो मुझे टैक्स कितना पेमेंट करना होता है? आंसर इज 2,45,000। मैं लोन लिया हूँ, मुझे डिबेंचर, मुझे अब टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? 1,97,000। सेविंग टैक्स कितना? 47,250, बिकॉज वी आर पेइंग 1,37,000 एज 1,35,000 डिबेंचर इंटरेस्ट। तो नेट डिबेंचर को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? ये माइनस ये, मेरे लिए कॉस्ट डिबेंचर को तो मैं ये पेमेंट कर ही रहा हूँ, लेकिन नेट कॉस्ट कितना पड़ रहा है? ये माइनस ये, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि बताओ अब केडी कितना है? उस टाइम मैं आपसे पूछता बताओ केडी क्या है भाई, तो आप केडी क्या बताते? मेरा केडी क्या बताते? मेरा 9%, यही तो था 9%, यही तो था। आप 9% कैसे हो सकता? कोई ये भी बोल सकता है क्या ना कि 9% आप कैसे बोल रहे हैं? 9% बोल रहे हैं, ये रहा 1,35,000 डिवाइडेड बाय 1,500,000। अरे मैथ्स है भाई, 9% कैसे बोल रहे हैं? 1,35,000 डिवाइडेड बाई 1,500,000 में कितना आ रहा है? देखो 35,000। आप इसको इंटू ये करके 1,35,000 लाए थे ना, तो मैंने ये इसको डिवाइड कर दिया, 9 आ गया। आ रहा समझ में? ये तो उल्टा ही किया ना, आप इसको इंटू करते थे ये ले आते थे, मैंने तो डिवाइड करते। मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा था? 9%। अब मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है? मेरा 1,35,000 जा रहा है क्या? 1,35,000 जा रहा है क्या? नहीं, 1,35,000 जा रहा है, उसके बदले में टैक्स शील्ड भी आ रहा है, टैक्स बेनिफिट कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है नेट करके? 87,750 उस किसके ऊपर? 1,500,000 के ऊपर। तो नेट टैक्स नेट मेरा केडी क्या आ रहा है? कितना आ रहा है नेट केडी? 5.85%। मेरा इंटरेस्ट कितना देना था? मेरा इंटरेस्ट कितना देना था? 9%, लेकिन मेरे लिए कॉस्ट कितना पड़ रहा है? नहीं, 5.85। अब समझ में आ रहा है टैक्स क्यों कॉस्ट पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। लिखा है ना ऊपर में, व्हाट इज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। अब मैं बताऊंगी सर, बताओ तो केडी 9% है मेरा, इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट टैक्स केडी, पोस्ट टैक्स केडी। अच्छा लग रहा है शाम सुनने में, समझ में आ रहा है? पोस्ट टैक्स केडी, इसको बोलते हैं पोस्ट टैक्स केडी। ठीक, अब आपसे बोलो कि 9%
मेरा केडी है, पोस्ट टैक्स केडी क्या है, तो आप क्या 9% का ये निकालोगे? आंसर ये नो. क्या निकालोगे? 9% इंटू 1 माइनस टी. कितना आ रहा है ये पढ़ाओ तो. 9 इंटू 1 माइनस टी कितना था? 35 था. 9 इंटू 0.65 कितना आ रहा है? 5.8. समझ में? मैं क्यों ये कर रहा था पिछले वाले सम्स में, क्यों ये किया था पोस्ट टैक्स रेडी? क्योंकि मुझे टैक्स शील्ड निकालना था. टैक्स बैक्स मतलब इंटरेस्ट देने के बाद और टैक्स सेविंग करने के बाद नेट में क्या कॉस्ट पड़ रहा है वो निकालना था, तो ये मैंने ये कर दिया था. अरे समझ में? क्वेश्चन क्या लिखवाया था मैंने? मिल गया, समझ में आ रहा है? लिखते हैं इसको, लिखिए छोटी है, मेरे को भी घर जाना है अब. नहीं लिख पाओगी इसको, थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा. कंसीडर कंपनी एक्स, कंसीडर कंपनी एक्स, कंसीडर कंपनी एक्स हैज टू ऑप्शन. कंसीडर कंट्री कंपनी एक्स हैज टू ऑप्शन. फर्स्ट issue all capital, issue all capital from equity, it issue all capital from equity of rupees 50 lakh. देख के, अरे मैंने लिखवाया है भाई 50 लाख लिखवाया ना, यही तो ला 50 के. ठीक है, मैंने वही तो पढ़ा रहा हूँ जो लिख लिया ऑलरेडी, इसमें गलती मत करना भाई. ठीक है, 50 लाख ब्रैकेट में 5 लाख इक्विटी एट द रेट ऑफ 10 ईच. 5 लाख इक्विटी एट द रेट ऑफ 10 ईच. ऑप्शन टू, इशू इक्विटी of 35 lakh bracket made 3.5 lakh equity at the rate of 10 ईच and debenture of 15 lakh and debenture of 15 lakh with 9% interest, with 9% interest. लेट हो रहा है क्या आपका? कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, विथ 9% इंटरेस्ट. लिखते चलो जल्दी. ओके, टैक्स रेट इज 30%. टैक्स रेट इज 30% और 35%. टैक्स रेट इज 35%. Which option is creating value for, which option is creating value for equity shareholder and why? नीचे table showing, देखिए table showing. अच्छा EBIT नहीं लिखा है ना नीचे, उधर लिखिए. कंटिन्यू कीजिए. EBIT नहीं लिख रहा. सपोज कंपनी विल अर्न रुपीज 7 लाख एज EBIT ब्रैकेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. Table showing
computation of EVIT, sorry, table showing evaluation of option. Option one, table showing evaluation of option. Option one and option two. क्या हो गया? ठीक है. ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू, इसको उतारेंगे टेबल को. ऑप्शन यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑप्शन वन, पर्टिकुलर्स ऑप्शन वन, ऑप्शन वन के नीचे में इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली, ऑप्शन वन के नीचे में इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली, और ऑप्शन टू के नीचे में इक्विटी प्लस डेप्ट. ठीक है, ये टेबल नहीं गया तो आप लोग निकल जाइए, रात हो जाएगा, ज़्यादा लेट तक बढ़ा के फ़ायदा नहीं है, आप लोग को दूर जाना. ठीक है, यहाँ तक हो गया. EPS, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स, अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर. इसका क्या होगा? EPS, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 4,55,000 डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर. क्या आएगा वहाँ पर लिख लेंगे, क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर 4,55,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? ऑप्शन वन का 5,00,000. क्या आ रहा है? 3,19. और यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई इसमें कितना था? 3.5 लाख. कितना आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक करके रखे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.